दोस्तों पार्ट टाइम मनी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए पार्ट टाइम मनी को और बेल आइकन को प्रेस करिए। ये अदृश्य धोखा है, ये न दिखाई देता है और न ही इसे कोई छू सकता है, लेकिन दुनिया भर में लाखों करोड़ का खेल चल रहा है और लोग ठगे जा रहे हैं। जनमन में आज बात डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की। इंटरनेट पर चलने वाली बिटकॉइन करेंसी दुनिया में सबसे महंगी है। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि ये ड्रग का धंधा करने वालों, हत्या करने वालों और उत्तर कोरिया जैसे देशों में रहने वालों के लिए ठीक है। भारत में इससे मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसके नाम पर अब कई कंपनियां बाजार में खुल गई हैं और लोगों को वो धोखा देकर ठग रही हैं। मुंबई में ऐसी कंपनियों पर कानून का शिकंजा कस रहा है। गणेश ठाकुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में आप कहीं अदृश्य धोखे का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? बिटकॉइन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का कारोबार। बिटकॉइन एक तरह की करेंसी यानी मुद्रा है जो न किसी टकसाल में छपती है। आप इसे न तो हाथ में छूकर देख सकते हैं और न ही अपनी जेब में रखकर घूम सकते हैं। बावजूद इसके ये करेंसी ऑनलाइन दुनिया में छाई हुई है। मौजूदा समय में बिटकॉइन डॉलर और यूरो के मुकाबले दुनिया की सबसे महंगी और डिमांड में रहने वाली करेंसी बन चुकी है। भारत में भी तेजी से बिटकॉइन की मांग बढ़ रही है। बिटकॉइन की लोकप्रियता और बेहद आकर्षक मुनाफे को देखते हुए देश में कई ऐसी कंपनियां खुल गई हैं जो बिटकॉइन के नाम पर लोगों को अदृश्य धोखे का शिकार बना रही हैं। भारत में ऐसी कई कंपनियां धड़ल्ले से चल रही हैं जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग का खेल खेल रही हैं। हो सकता है आपको भी फेसबुक पर कुछ ऐसे ही विज्ञापन दिखे हों जिनमें तगड़े मुनाफे से लेकर विदेश यात्रा तक का लालच दिया जा रहा हो। एबीपी न्यूज आज आपको ऐसी ही कंपनियों की हकीकत दिखा रहा है। बिटकॉइन के नाम पर बनी एक कंपनी एटीसी वन कॉइन इंडिया, जो खुद को भारत की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी होने का दावा करती है। इस कंपनी की शुरुआत करने वाले हैं सुभाष चंद्र जेवरिया। एटीसी वन कॉइन चलाने वाली कंपनी के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये कंपनी भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी रजिस्टर्ड है। ये कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है और उसका कैपिटल केवल £1 का है। इसमें दो डायरेक्टर हैं, सुभाष चंद्र जेवरिया और उनके भाई। पुलिस छानबीन में भी ये पता चला है कि इस कंपनी में बाहर से किसी भी निवेशक ने निवेश नहीं किया है और इस कंपनी के पास क्रिप्टो करेंसी चलाने के लिए लगने वाला मैकेनिज्म भी नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर मुंबई में मौजूद एटीसी कॉइन चलाने वाली जेवरिया सर्विस क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में ऐसे कई लोग दिखे जो या तो निवेश कर चुके थे या जिन्हें निवेश कराने के लिए लाया गया था। गणेश ठाकुर ने निवेश के बहाने यहां मौजूद एक एजेंट से बात की। एजेंट ने हमें बताया कि ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी चला रही है। एजेंट की ये पूरी बातचीत खुफिया कैमरे में कैद हो गई। फर्स्ट जो पेयर होता है ना, लाइक मैंने आपको इनको और इनको जोड़ा हूँ तो फर्स्ट पे 10% है। उसके बाद ये काम सेम एज इट इज आप करते हो तो मुझे 3% जनरेट होगा, बट आपको 10% अराउंड 75 जोड़ा। कितने पैसे मिले आपको उसके नाम? ऐसे नहीं, एज अ कॉइन कुछ 1300। इस एजेंट ने हमें फंसाने के लिए लुभावने लालच का सपना भी दिखाया। लेवल पे 2% कमीशन, 14वें पे 1%, 15वें पे 1%, 11वें पे 5% रॉयल्टी। अब यहाँ तक पहुँच गए आप तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। और 13वें लेवल पे फॉर्चुनर है, टोयोटा फॉर्चुनर, 14वें लेवल इसके साथ मर्सिडीज है और इसके साथ में जैगुआर है। ये जैगुआर और ये सब लेने वाले सिर्फ 4 लोगों को कंपनी में आज तक कंपनी में अभी तक 15 लाख लोग से ज़्यादा जुड़ चुके हैं।
कंपनी में किसी को शक न हो, इसलिए संवाददाता गणेश ठाकुर ने भी ATS कॉइन खरीद लिए। हमने एजेंट होमेश से एक आईडी खरीदी, हमसे 5,000 रुपए लिए गए, वो भी कैश में, और बदले में ना तो हमें कोई रसीद दी गई और ना ही कोई कॉइन। एबीपी न्यूज ने ATC वन कॉइन कंपनी के ऐसे निवेशकों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने कम वक्त में ज्यादा मुनाफे की लालच में इस कंपनी में निवेश कर दिया था और अब वो फंस गए हैं। मर्सिडीज कार, जैगुआर कार, इस तरह से एक लालच दिया जाता है कि आपको जब इस स्टेप पर आप पहुंचेंगे तो आपको रॉयल्टी भी मिलेगी और इस तरह से कार मिलेंगी। और जब भी मैंने ये, मेरे अकाउंट में भी कुछ कॉइन्स हैं और वो कॉइन्स जब मैंने कन्वर्ट करना चाहा तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ, और उसका यूज कहाँ करना है ये भी नहीं बताया जाता है कि उसका यूज कहाँ करना है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ATC समेत कई ऐसी कंपनियों की जांच कर रही है। ATC कॉइन के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज कर लिया है। ATC कंपनी के 28 बैंक खातों में जमा 68 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए हैं। ये पैसा जो उन्होंने जमा किया था, वो पैसा जो है ये आरोपियों ने डाइवर्ट किया हुआ है। ये जो कंपनी के अकाउंट में जो पैसा आया था, ये पर्सनल अकाउंट में लिया गया है, उसमें से काफ़ी सारा पैसा खर्चा करके कुछ 5 प्रॉपर्टीज वगैरह भी इन्होंने खरीदी परचेज की है, और बाकी का पैसा जो है इनके पर्सनल यूज में वो ला रहे हैं। इस पूरे विषय पर हमने सुभाष चंद्र जिवरिया से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हम उनके दफ्तर गए लेकिन वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हमने हमारा फोन नंबर और हमारी खबर के बारे में उनके सहकर्मियों को पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन हमारा संपर्क सुभाष चंद्र जिवरिया के वकील से भी हुआ, उन्होंने भी मिलने के लिए हामी भरी लेकिन कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। ATC वन के अलावा नवी मुंबई पुलिस ने भी 2 महीने पहले वन कॉइन नाम की एक कंपनी का भी पर्दाफाश किया था। ये कंपनी बुल्गारिया की डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा ने शुरू की थी। ये कंपनी भी ATC की ही तरह क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चला रही थी। बिटकॉइन के नाम पर तो देश में लूटने वाली दो कंपनियां ATC कॉइन और वन कॉइन तो महज उदाहरण है। ऐसी कई और कंपनियां धड़ल्ले से देश के बड़े शहरों में चल रही हैं, जो बिटकॉइन के नाम पर आपकी जेब काट रही है लेकिन जिस बिटकॉइन को लेकर मुनाफे का जरिया मान बैठे हैं उसे सिर्फ 5 देशों में ही मान्यता है, भारत में इसे मान्यता नहीं है। यानी बिटकॉइन के नाम पर आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं वो एक बड़ा जोखिम है। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। ATC कॉइन के खिलाफ केस दर्ज है। कंपनी के वकील ने ABP न्यूज से दावा किया कि उसकी क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से कानूनी है लेकिन कंपनी उससे जुड़ा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई। बिटकॉइन आखिर क्या बला है, ये कैसे मिलती है, कहां से मिलती है और कैसे खर्च होती है, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब जनमन विशेष। ये डॉलर है अमेरिका का नोट, ये पाउंड है ब्रिटेन का नोट, और ये रुपया है भारत का नोट। ऐसे ही हर देश की कोई ना कोई करेंसी होती है लेकिन इसी दुनिया में एक करेंसी ऐसी भी है जिसका ना तो कोई मालिक है, ना तो इसे कोई देख सकता है, ना ही इसे छू सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत ही नहीं दुनिया भर में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है। नाम है इसका बिटकॉइन। किसी भी देश की करेंसी ना होते हुए भी बिटकॉइन सोने से भी महंगी है। एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी हो गई है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी की लेन देन जो होती है वो जैसे हम व्यवहार के अंदर रुपया लेन देन करते हैं, बैंकिंग लेन देन करते हैं, बैंक से हम बेचते हैं, मोबाइल से हम बेचते हैं, उसी तरह से ये जो करेंसी है उसी व्यवहार से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। दरअसल बिटकॉइन एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। वेबसाइट के जरिए ही बिटकॉइन कंट्रोल की जाती है। बिटकॉइन को सिर्फ ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन स्वतंत्र मुद्रा है जिस पर किसी संस्था या देश का अधिकार नहीं है। भारत में रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक बिटकॉइन
मान्य नहीं है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून इस पर कंप्लीट चुप्पी साधे हुए है। अगर आप आरबीआई की बातें सुने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न उपभोक्ताओं को हिदायत देती है, चेतावनी देती है कि आप कृपया ना इनके साथ डील करें क्योंकि इनमें बहुत जबरदस्त स्पेकुलेशन है। तो अगर आप भी बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके पैसे इसमें सुरक्षित रहेंगे या नहीं। भारत में इस वक्त बिटकॉइन खरीदने और इसकी जानकारी के लिए होड़ मची हुई है। भारत में हर रोज करीब 2500 से ज्यादा लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। भारत में बिटकॉइन एक्सचेंज को डाउनलोड करने वालों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया में बिटकॉइन के एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे भारत में जेप्पी नाम की एक वेबसाइट है जो एक्सचेंज करती है बिटकॉइन को। इसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट से NEFT RTGS के जरिए, और पैसे जब ऐप में आप ट्रांसफर करते हैं, जो भी आपकी अमाउंट आपके ऐप में होती है, वॉलेट में होती है, उसके जरिए आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल दुनिया भर में कहीं भी हो सकता है। बिटकॉइन के जरिए आप किसी को भी कहीं भी रकम भेज सकते हैं, वो भी किसी भी सरकारी या रेगुलेटरी बॉडी की नजर में आए बिना। बिटकॉइन के जरिए ऑनलाइन खरीदारी, होटल्स, रेस्टोरों, शॉपिंग मॉल्स में पेमेंट और कई देशों में प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है। सिंगापुर में तो बाकायदा बिटकॉइन ATM है, जहां आप अपना कोड डालकर बिटकॉइन के बदले सरकारी करेंसी निकाल सकते हैं। बिटकॉइन का भारत में एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी जेप पे के मुताबिक इसके जरिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जा सकता। एंड मनी लॉन्ड्रिंग भी बिटकॉइन के थ्रू करना मतलब मोर और लेस इम्पॉसिबल के आसपास ही है। मतलब जितने भी यूजर्स हैं जो इसके थ्रू उधर बाइंग सेलिंग करते हैं, वो सबको अपना KYC करना पड़ता है और बैंक टू बैंक पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसा नहीं है। अपराधी, माफिया, सट्टेबाज इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन किसी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सौदा किससे हुआ ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। अस्थिर मुद्रा होने से कीमत में बेलगाम उतार चढ़ाव होता है, यानी निवेशकों के लिए हानि की संभावनाएं ज्यादा है। करेंसी डिजिटल है और किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए सट्टेबाजी, कर चोरी, आतंकी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल बिना डरे होता है। संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। बिटकॉइन की दुनिया ललचाने वाली है। लालच इसलिए क्योंकि अब तक इसमें लाखों लगाने वाले करोड़ों कमा चुके हैं। आखिर कैसे होता है इसमें धंधा, बता रहे हैं अभिसार। अगर बिटकॉइन पर संदेह पैदा हो रहा है तो आखिर इसकी वजह क्या है, इस सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। 2009 यानी कि जिस साल बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, अगर उस साल आपने शेयर बाजार में निवेश किया होता या 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब यानी 2017 में यह बढ़कर करीब 5 लाख रुपए हो जाता। अगर उसी साल आपने सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो 8 साल बाद यानी 2017 में यह जो है दुगुना से थोड़ा ज्यादा यानी करीब 2.25 लाख रुपए का होता। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए होते तो मौजूदा वक्त में यह करीब 2,10,000 रुपए हो जाता। लेकिन अगर आपने 8 साल पहले बिटकॉइन में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो अभी इसकी कीमत होती 100 करोड़ रुपए। जी हां, 100 करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख का 100 करोड़ सिर्फ 8 साल में हो जाता। जी हां, इतनी बड़ी छलांग संदेह पैदा करता है।